हे गाइस, वेलकम टू अहीर लॉगर। आज के इस वीडियो में हम सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू विजिट के बारे में जानेंगे। तो ये एक फ्लटर का सीडी चला है, तो अगर आपको बाकी के वीडियोस देखने हैं टाइप बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कैसे सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू विजिट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक मोबाइल स्क्रीन दिख रहा होगा। अब सपोज इस स्क्रीन का हाइट है 600 और इसके अंदर आपको दो एलिमेंट्स यानी कि दो कंटेनर दिख रहे होंगे। तो इन दोनों कंटेनर का जो हाइट है वो सिमिलर है, जो कि है 200 करके, यानी कि हर एक कंटेनर का हाइट है 200। इन दोनों हाइट को मिला के हमको यहाँ पे जो टोटल हाइट मिलता है कंटेनर्स का वो है 400 और स्क्रीन का साइज़ है 600। तो इसीलिए हमको ये दोनों कंटेनर स्क्रीन के ऊपर इजीली विजिबल हो पा रहे हैं। अब सपोज़ यहाँ पे हम अगर इस कंटेनर का हाइट बढ़ा के 400 कर दे, यानी कि ईच एंड एवरी कंटेनर का हाइट अगर हम बढ़ा के 400 कर देते हैं तो इन दोनों का टोटल हाइट हो जाएगा 800 और ये जो स्क्रीन है ये है 600 का। तो इसीलिए यहाँ पे हमको जो सेकेंड कंटेनर है उसका सिर्फ आधा पोर्शन ही स्क्रीन पे विजिबल होगा और बाकी का जो हाफ पोर्शन है वो विजिबल नहीं होगा। तो इस केस में हमको यहाँ पे एक येलो और ब्लैक बॉर्डर देखने को मिलता है, यानी कि एक एरर देखने को मिलता है। तो इस टाइप के एरर्स को हैंडल करने के लिए हमने पिछले वीडियोस में देखा था कैसे हम रिस्पॉन्सिव बना के अपने एप्लीकेशन को इस एरर को दूर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू विजिट का यूज़ करेंगे और जैसे ही हम इस वाले विजिट को यूज़ करते हैं यहाँ पे हमको स्क्रीन पे स्क्रॉल देखने को मिलेगा, यानी कि ये दोनों एलिमेंट हमको इजीली विजिबल हो पाएंगे। तो जब हमारे एप्लीकेशन के स्क्रीन पे स्पेस अवेलेबल नहीं होता है तो उस टाइम पे हम इस सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू विजिट को यूज़ करते हैं। अब अगर इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हमको सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे कि हो गया चाइल्ड कंट्रोलर पैडिंग फिजिक्स प्राइमरी रिवर्स स्क्रॉल डायरेक्शन। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कैसे हम इस वाले विजिट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लेंगे कॉलम को। अब इसके अंदर हम इसका दो चिल्ड्रन लेंगे, दोनों कंटेनर होगा और कंटेनर का यहाँ पे हाइट दे देते हैं। सपोज इसका हाइट देते हैं 200। अब नेक्स्ट इसका कलर दे देते हैं ताकि हमको समझ में आए। इसका देते हैं सपोज लाइम एसेंट देते हैं इसका कलर। अब इसको सिमिलरली हम कॉपी करके एक और कंटेनर यहाँ पे बनाते हैं, इसका भी हाइट सेम रहेगा, इसका कलर चेंज कर देते हैं, डॉट दे के इसका दे देते हैं सपोज पिंक एसेंट कर देते हैं इसको। अब इसको अगर रन करें तो यहाँ पर देखिए हमारा जो दोनों कंटेनर का हाइट 200 है, स्क्रीन पर हमारा यहाँ पर थोड़ा स्पेस बचा हुआ है। अब इस कंटेनर का साइज़ को अगर हम इंक्रीज़ कर देते हैं, जैसे कि इसको कर देते हैं 400 और इसको भी कर देते हैं 400। अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो पहला कंटेनर नहीं पूरा आधा से ज़्यादा स्पेस को कंज्यूम कर लिया है और सेकेंड कंटेनर को स्पेस ही नहीं मिला। तो इसीलिए हमको यहाँ पे येलो ब्लैक बॉर्डर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये एक एरर क्रिएट कर रहा है। इस टाइप के एरर्स को फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू यूज़ करेंगे। तो वो यहाँ पे स्क्रीन पे एक स्क्रॉल इफेक्ट ला देगा ताकि हमारा जो सेकंड वाला कंटेनर है वो भी विजिबल हो पाए। तो यहाँ तो कॉलम हमने बना के रखा हुआ है, इसको हम एक विजिट के अंदर रैप करेंगे। तो आपको यहाँ पे कॉलम में जाना है और इसको रैप विथ विजिट कर देना है। तो यहाँ पे ये रैप हो गया। अब इस विजिट को हटा के हम यहाँ पे लिख देंगे सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, ये रहा। तो ये हो गया हमारा सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू अप्लाई। अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पर देखिए वो जो एरर था येलो ब्लैक बॉर्डर का वो हट चुका है। अब इसको अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमको एक स्क्रॉल इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये फर्स्ट वाला जो कंटेनर वो भी पूरा हमको विजिबल हो रहा है और सेकेंड वाला भी हमको विजिबल हो रहा है। अब जैसे कि हमने इसको कॉलम के ऊपर अप्लाई किया ये हमको वर्टिकली दिख रहा है, इसको हम हॉरिजेंटली भी कर सकते थे। तो उसके लिए हमको यहाँ पे कॉलम के जगह पे रो लिखना पड़ता और हाइट के जगह पे विड्थ देने से इसको हम वर्टिकली भी कर सकते थे। लेकिन पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको वर्टिकल डायरेक्शन में स्क्रॉल करना देखेंगे। तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे वो है पैडिंग प्रॉपर्टी। तो हम देखेंगे पैडिंग। अब इसके अंडर में हम एज इनसेट्स यूज़ करते हैं, ऑल कर देना है। तो हमको इसके चारों तरफ पैडिंग चाहिए तो इसका वैल्यू मैं देता हूँ सपोज 20.0। अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पर देखिए पूरे चारों तरफ इसके टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट में पैडिंग आ चुका है। ये देखिए बॉटम में भी इसका पैडिंग आ चुका है। तो कुछ इस तरह से हम इसके चारों तरफ पैडिंग दे सकते हैं। इसको करते हैं कमेंट आउट। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है फिजिक्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम फिजिक्स देंगे।
अब इसमें हमको एक वैल्यू देखने को मिलता है जो कि है स्क्रॉल फिजिक्स, तो ये रहा वैल्यू। और इसके बाद हमको ब्रैकेट्स देना है। अब इसको रन करने से हमको यहाँ पे स्क्रॉल देखने को मिलेगा। इसमें हमको कोई भी उतना चेंजेस तो देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने स्क्रॉल को अप्लाई किया था वैसे का वैसा ही है, कुछ चेंजेस यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा इसका और भी वैल्यूज होते हैं, जैसे कि हम दे सकते हैं नेवर स्क्रॉलेबल स्क्रॉल फिजिक्स, तो इससे जो हमारा स्क्रॉल इफेक्ट था वो हट जाएगा। तो इसको रन करते हैं, तो अगर हम इसको स्क्रॉल करने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है। अब इसका और एक वैल्यू होता है फिक्स्ड एक्सटेंड स्क्रॉल फिजिक्स, ये वाला फिक्स्ड एक्सटेंड स्क्रॉल फिजिक्स, इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम माउस को प्रेस करके इसको स्क्रॉल करने की कोशिश करें तो ये नहीं होगा, लेकिन जो रोलर बटन हमको माउस में देखने को मिलता है उससे हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको कमेंट आउट करते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिवर्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे रिवर्स में हमको दो वैल्यू देना पड़ता है, ट्रू या तो फॉल्स। तो अगर इसको फॉल्स करते हैं तो रिवर्स जो ये प्रॉपर्टी है ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स हो जाएगा, यानी कि इसका कोई भी हमको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर इसको रन करते हैं, पहला जो कंटेनर है वो हमको एकदम पहले यानी कि मेन स्क्रीन पर दिख रहा है, और सेकेंड कंटेनर का सिर्फ हाफ पोर्शन ही दिख रहा है, यानी कि ये लास्ट में है तो इसीलिए इसका हाफ पोर्शन दिख रहा है। अब यहाँ पे रिवर्स को हमने फॉल्स किया तो इसीलिए ये रिवर्सिबल नहीं है। अब इसको जैसे ही हम ट्रू करते हैं तो इसका इफेक्ट आपको समझ में आएगा। रन करते हैं इसको, तो यहाँ पर देखिए रन करने से ही हमको ये जो लास्ट वाला कंटेनर था वो मेन स्क्रीन पे दिख रहा है, और जो टॉप वाला कंटेनर था यानी कि फर्स्ट कंटेनर वो हमको हाफ दिख रहा है, यानी कि हमारा जो ऐप का बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन था वो एकदम नीचे की तरफ आ चुका है, यानी कि जैसे ही ऐप स्टार्ट होगा ये स्क्रीन हमको दिखेगा, यानी कि नीचे का पोर्शन दिखेगा। तो कुछ टाइप के एप्लीकेशंस में बॉटम के पोर्शन यूजर्स को पहले दिखाने पड़ते हैं, तो उस टाइम पे हम इस वाले विजिट के अंदर ये प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं और इसके वैल्यू को हमको ट्रू रखना पड़ेगा। अब इन तीनों को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे तो वो है स्क्रॉल डायरेक्शन। तो स्क्रॉल डायरेक्शन प्रॉपर्टी से हम इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम इसके डायरेक्शन को, यहाँ पर हमको एक्सिस यूज़ करना पड़ता है, फिर डॉट दे के हम इसके डायरेक्शन दे सकते हैं जो कि है हॉरिजेंटल या तो वर्टिकल। तो फिलहाल ये वर्टिकल डायरेक्शन में है क्योंकि यहाँ पे हम कॉलम यूज़ कर रहे हैं। अब अगर इसको हॉरिजेंटल डायरेक्शन देना चाहते हैं तो वहाँ पे हमको इसके जगह पे यानी कि कॉलम के जगह पे रो का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम दे देते हैं हॉरिजेंटल और रन करते हैं तो आइए देखते हैं क्या दिखता है हमको। तो यहाँ पर देखिए हमको ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है क्योंकि ये जो कॉलम के अंदर में जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन ये अप्लाई नहीं होगा, तो इसके जगह पर हमको इसको रो करना पड़ेगा। तो ये हो गया रो। अब रो करने से भी हमको यहाँ पे कुछ फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। एक और चीज़ यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा जो कि है हाइट। हाइट के जगह पे हमको यहाँ पे विथ देना पड़ेगा। तो रो को अप्लाई होने के लिए हमको इसका विथ को सेट करना ज़रूरी है। अब इसके 400 की जगह हम इसको कर देंगे 150 और इसको भी कर देंगे 150, क्योंकि इसका ऐप का जो विथ होता है वो थोड़ा छोटा रहता है, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा घटा देंगे। अब रन करते हैं इसको। अब इन दोनों कंटेनर का विड्थ हमने बहुत ही कम रख दिया है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे स्पेस दिख रहा है और स्क्रॉल इफेक्ट जो है वो राइट टू लेफ्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके विड्थ को थोड़ा हम ज़्यादा करेंगे, यानी कि इसको हम 250 कर देते हैं। रन करते हैं। अब रन करते हैं तो अब देखिए एकदम सही है ये। तो यहाँ पे फर्स्ट कंटेनर हमको मैक्सिमम स्क्रीन पे दिख रहा है और थोड़ा सा हमको सेकंड कंटेनर दिख रहा है हाफ पोर्शन इसका। अब इसको स्क्रॉल करके हम इस साइड भी ला सकते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट ये स्क्रॉल हो रहा है। तो ऐसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं हॉरिजेंटल डायरेक्शन के लिए। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, हमने सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू विजिट को देखा। तो अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।